नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+। मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। लगातार हर विधानसभाओं के सर्वे समाचार 24 की टीम लगातार करती जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं बदरपुर विधानसभा में। इस विधानसभा में जो सबसे ज्यादा गर्म मुद्दा चल रहा है वो है ओजोन। कोई कहता है MCD तोड़फोड़ कर रही है, कोई कहता है विधायक करवा रहा है, तो कोई कहता है कि पूर्व विधायक की साजिश है। इसी बात पे बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता सूर्यवंत पांडे जी से। रहते जरूर कैमरे के पीछे होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा समाज सेवा, सबसे ज्यादा लोगों के काम इनके द्वारा करवाए जाते हैं। सूर्यवंत जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद हनी जी, आपने बदरपुर के बारे में अच्छी तरह से विचार करके समस्याओं को उठाने का जो बीड़ा उठाया है, इसके लिए मैं आपका चैनल का और आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। सूर्यवंत जी, सबसे पहला सवाल ओजोन। आज हर गली में बदरपुर विधानसभा के जितना हमने सर्वे किया है, हर गली में नेता बैठा, जो नेता ओजोन पे बात करने को तैयार है। ओजोन इसने लगवाया, ओजोन उसने लगवाया। कोई कहता है राम सिंह नेता जी ने, कोई कहता है रामवीर भिलोड़ी जी ने, और कोई कहता है नरेंद्र जी की साजिश है। जनता बेकार में फंसती जा रही है, जनता नहीं समझ पा रही है, लोगों को हार्ट अटैक तक आ गए हैं, जिनके मकान तक टूटे हैं, लेकिन कोई नेता इस पे कोई बयानबाजी नहीं कर रहा। देखिए अनी जी, ओजोन का मुद्दा बहुत ही पीड़ादायक है, और मैं नहर पार में ही रहता हूँ, के ब्लॉक सौर बिहार में। तो और पिछले 30 साल से मैं यहाँ की राजनीति में भी सक्रिय हूँ। तो जनता जब परेशान होती है तो वो घूम फिर करके हमारे पास भी आती है, और सिवाय पीड़ा को सहन करने की शिक्षा देने के बजाय अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता। ओजोन जब लगा तो मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि जनप्रतिनिधि जनता का वकील होता है, और जनता के मुद्दे वह विधानसभा में, निगम में और केंद्रीय संसद में वो जनता के मुद्दे उठाता है। वोट देने वाली जनता 1% 2% ऐसे होते हैं जो कानूनी रूप से जानकार होते हैं, बाकी आम जनता यह विश्वास करके अपना जनप्रतिनिधि चुनती है कि हम किसी भी संकट में होंगे तो हमारा जनप्रतिनिधि आगे आकर सरकारी अधिकारियों के द्वारा, एजेंसी के द्वारा जो हमें तकलीफ पहुंचाने की योजना साजिश है उसका पर्दाफाश करके हम लोगों को बचाएगा। जब ओजोन लगा, तिथियां लोग अलग अलग तरह से बताते हैं, लेकिन उस समय जनप्रतिनिधि यहाँ के थे, और जो भी थे उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि वो जोन के मुद्दे को मजबूती के साथ उठाते। और जमुना यहाँ से कई किलोमीटर दूर है, और ओ जोन की जो रिकमेंडेशन थी वो जमुना के किनारे एक पुस्ता है खट्टा कॉलोनी के बगल में, डिमार्केशन वहां से होना चाहिए था, लेकिन साजिश के तहत अधिकारियों से मिलकर और इसका डिमार्केशन करवा दिया गया मीठापुर की नहर जो गुड़गांव कैनाल जा रही है। तो अब बताइए उस पुस्ते से और इस नहर के बीच में जो 20-25 कॉलोनियां हैं, 30 के करीब होंगी, और उनके ऊपर एक खतरे की तलवार लटक गई। तो आखिर उनके रहते हुए यह समस्या क्यों आई, क्या उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया? अगर नहीं किया तो जनता, जिस तरह से आप लोग विभिन्न चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, आम चर्चा के माध्यम से जो विषय निकाल करके आप लोग ला रहे हैं, वो जनता बारीकी से समझ भी रही है, और आने वाले समय में उस नेता को या जनप्रतिनिधि को जो इसके लिए जिम्मेदार है वो जनता ढूंढ कर और मौका मिला तो उसको इसका सबक जरूर सिखाएगी। अभी क्षेत्रीय विधायक पंडित नरेंद्र शर्मा है, क्या क्षेत्रीय विधायक की जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो इन परेशानियों को सॉल्व करे, लोगों की हेल्प करे, लोगों की मदद करे? आज लोग इतने ज्यादा परेशान है, क्या वर्तमान विधायक ओजोन नहीं हटवा सकता? देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जब सत्ता में आए
भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आए थे। शीला जी के ही खिलाफ उन्होंने भ्रष्टाचार के तमाम मुद्दे उठाए, हजारों पेज की फाइल बनाई और बोले मैं इनको जेल में डाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जनता हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ, बीपी सिंह जी आए तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आए, जनता ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए उनको ताकत दी। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने लड़ने के बजाय आत्मसमर्पण कर दिया, कुछ नहीं कर पाए। केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, दिल्ली की जनता ने सिर आंखों पर बिठा लिया कि चलो कोई तो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आया। लेकिन कुर्सी संभालने के बाद, चाहे इनकी 11 महीने 12 महीने की सरकार रही हो और चाहे 4.5 साल से अभी मुख्यमंत्री हैं, सिवाय प्रधानमंत्री को गाली देना, उनको कोसना, एलजी साहब को कोसना और कि हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, मतलब ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप। अगर मोदी जी ऐसा करते होते तो क्या दिल्ली की हम 7 सीटें जीत सकते थे? क्या निगम में इतना प्रचंड बहुमत हमें मिल सकता था? क्या देश में हमें इतना प्रचंड बहुमत मिल सकता था? मोदी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी जंग लड़ी, विकास का भी काम उन्होंने किया और लोगों ने पार्टी और जाति धर्म के दीवार को तोड़कर और 303 सीटें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दी। तो केजरीवाल जी की अगर नीयत ठीक होती और वो दिल्ली में कुछ करना चाहते तो मैं समझता हूं कि उनका पहला समर्थन अगर कोई करने वाला होता तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी होते। इनकी नीयत में ही खोट है। ये प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर, एलजी साहब का नाम लेकर अपनी गलतियों को, अपनी नाकामियों को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। हनी जी, शीला दीक्षित ने एक एसटीएफ फोर्स का गठन किया था सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस में, और चुनाव आने के समय जब चुनाव आ गया तो राजनीतिक नेता होने के नाते उन्होंने एसटीएफ को भंग कर दिया, फिर भी वो चुनाव हार गई और केजरीवाल जी जैसे ही चुनाव जीते इन्होंने एसटीएफ को फिर जिंदा कर दिया। एसटीएफ सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस से बनी है, उसमें डीएम, एसडीएम, कमिश्नर, डीसी ये सब होते हैं, उनके द्वारा तोड़फोड़ का निर्देश दिया जाता है और सिविक एजेंसी जिसको आप एमसीडी कहते हैं ये ठीक उसी तरह से काम करती है कि अगर केंद्र सरकार से कोई निर्देश आया तो उसका इम्प्लीमेंटेशन एमसीडी करेगी और दिल्ली सरकार का कोई निर्देश आया तो उसका भी इम्प्लीमेंटेशन एमसीडी ही करती है। तो एमसीडी का नाम घसीट कर सिर्फ अपना पल्ला झाड़ लेना, ये केजरीवाल और उनके विधायक की नाकामी ही साबित करता है। सर, आज बदरपुर विधानसभा में विधायक के द्वारा गली गली में जा जाकर सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, आज गली गली में जा जाकर रोड के उद्घाटन हो रहे हैं, सीवेज लाइन डलवाई जा रही है, 4 से 5 महीने रह गए हैं विधानसभा चुनाव में, अब क्यों ये काम हो रहा है, आज से पहले क्यों नहीं दिखा? जयपुर मोड़ एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ऑटो वालों की दिन पर दिन दादागिरी बढ़ती जा रही है, नाबालिग बच्चे ऑटो चलाते हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं होता, तकरीबन 2000 ऑटो जयपुर मोड़ से चलते हैं, डीटीसी की बस, सिर्फ डीटीसी बस का उद्घाटन किया गया था विधायक के द्वारा, लवकुश चौक पर नारियल फोड़ा गया था, अगले दिन से ही डीटीसी बस दिखाई नहीं दी क्योंकि जनता का ये कहना है अगर डीटीसी बस चल जाती तो इन ऑटो माफियाओं की दादागिरी बंद हो जाती। देखिए भाई साहब, अब जैसा मैंने बताया डीटीसी की बसें बिल्कुल नहर पार से लुप्त हो गई है और इससे पहले जयपुर गांव से भी बस चलती थी 451 नंबर और 405 या कोई 406 ये मीठापुर चौक से भी चलती थी, वो बसें पूरी तरह गायब हो गई हैं। केजरीवाल जी ने एनटीपीसी बदरपुर को बंद किया, उनके अधिकार क्षेत्र में था तो उनके अधिकार क्षेत्र में उसकी बाउंड्री भी है, जब वहाँ एनटीपीसी का प्रोजेक्ट बंद हो गया, बिजली नहीं बन रही है तो जो जयपुर मोड़ पर सड़क है जो पतली है उस पर एनटीपीसी की जो दीवार है
कम से कम 20-25 फुट उसको अंदर कर दिया जाए और अंदर करके सड़क को चौड़ा कर दिया जाए। तो मेरे ख्याल से अगर ऑटो वालों को लाइन पर खड़े होने का किनारे जगह मिलेगी तो बीच रोड पर वो फिर क्यों आएंगे? सड़क इतनी पतली है और वहाँ पुलिस जब रहती है तो ऑटो वाले किनारे लगाते हैं, पुलिस जब नहीं रहती तो बीच सड़क पे लाके लगा देते हैं। तो एक चीज बताइए कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जिसमें ऑटो भी आता है, उसके खिलाफ चालान करना, लाइसेंस वाले ऑटो को ही चलने की परमिशन देना, अनऑथराइज ऑटो के खिलाफ कार्रवाई करना, तो ये तो दिल्ली सरकार का काम है। इसमें दूसरे की ओर किसी की जिम्मेदारी बनती ही नहीं। भाई जब हमारे अधिकार क्षेत्र में निगम पार्षद लिख के दे सकते हैं, सांसद दिल्ली सरकार को लिख के दे सकते हैं, लेकिन कार्रवाई करने का क्या किसके पास है? दिल्ली सरकार के पास। दिल्ली सरकार का प्रतिनिधि है यहाँ का विधायक, और विधायक का ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इस तरह से बनाया जाए जहां यहाँ की जनता 5 रुपए में बॉर्डर पहुंच सकती है, बदरपुर रोड मथुरा रोड पे पहुंच सकती है, उसके लिए उसको कम से कम 15-20 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ऑटो वाले अपनी मनमानी करते हैं, कई बार तो थोड़ा सा ट्रैफिक देखा बीच रास्ते में छोड़ करके मोड़ लेते हैं। आम जनता अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है, और मैं तो जिम्मेदारी पूर्वक कहना चाहता हूँ कि यह जिम्मेदारी दिल्ली सरकार को निभानी चाहिए। अगर उसकी नीयत ठीक है तो ये जाम की समस्या से निजात पाया जा सकता है। और जहाँ तक CCTV कैमरे की बात कही आपने, ये चुनावी स्टंट है। 4.5 साल तक चद्दर तान के सोते रहे, क्या उस समय चोरियां नहीं हो रही थी? क्या उस समय छेड़खानियां नहीं हो रही थी? इन्होंने घोषणा तो पहले चुनाव में ही कर दिया था, 2013 में ही, थोड़े दिन के लिए मुख्यमंत्री भी बने थे, फिर 4.5 साल से मुख्यमंत्री, टोटल इनका 5.5 साल हो गया। 5.5 साल के अंदर तब इनकी नींव कुंभकर्णी नींव खुली जब विधानसभा के चुनाव इनके सिर पर आ गए। तो जनता इस नौटंकी को भी अच्छी तरह समझ रही है और उनके बहकावे में अब नहीं आने वाली है। काट की हाड़ी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती, उसको फूटना ही है। देखिए अभी हमारी पार्टी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मनोज तिवारी जी ने दिल्ली सरकार पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने 600 स्कूल बनाने के लिए कहा था, स्कूल तो उन्होंने बनाया नहीं। उन्होंने स्कूलों में जो खाली पड़ी ज़मीन थी या सिंगल फ्लोर की जो बिल्डिंग थी उसको 2-2, 3-3 मंजिल बनाया है, और जांच में ये पाया गया कि जो खर्च 10-20 लाख रुपए में हो सकता है, बनाया जा सकता है जिस कमरे को या बिल्डिंग को, उसमें 1-4 करोड़ रुपए खर्च हुए, तो उसमें बहुत बड़े घपले की आशंका है। पार्टी इस पर निर्णायक लड़ाई लड़ रही है और इसकी जांच की जाएगी। अगर विधानसभा चुनाव में जैसी पूरी संभावना है, मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हम विजयश्री प्राप्त कर रहे हैं, दिल्ली में भी हमें विजयश्री प्राप्त होगी, और जो जितने भी घपले घोटाले हैं इनकी जांच होगी, और जब सच्चाई सामने आएगी तो जिस तरह से मायावती जी, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, लालू यादव सब जांच के बाद सब कटघरे में आ गए, करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले का पर्दाफाश हो रहा है, तो ये दिल्ली सरकार भी जो खान की भराने में अनियमितता बरती जा रही है या बारात घर में अवैध वसूली हो रही है, इन सब चीज़ों की जांच करवाई जाएगी, और जनता के साथ षड्यंत्र करने वाला कोई भी नेता, चाहे वो कितना भी चमत्कारी नेता क्यों ना हो, अगर उसने छल कपट किया तो परमात्मा भी उसको सजा देने के लिए तैयार रहता है। और जनता के ऊपर मैं तो कहता हूँ, बदरपुर की जो जनता है वो भगवान की कृपा पर रह रही है। यहाँ पर न तो विकास का कोई काम है, न कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है,
ना कोई डिग्री कॉलेज है, ना कोई पॉलिटेक्निक है, ना कोई अस्पताल है, और जाम की इतनी बड़ी समस्या है, पुल अभी बने नहीं। इस आगरा कैनाल पर कम से कम 3 पुल बनने चाहिए। अभी किशपाल गुर्जर जी ने अपने फरीदाबाद इलाके में 4-5 पुल उन्होंने बनवा दिए। एक तो बिल्कुल सिंधु फार्म रोड के साथ में ही बनवाया उन्होंने, हमारी यहाँ की जनता भी उसका इस्तेमाल करती है। तो अगर मीठापुर नहर पर एक और पुल बन जाए, मीठापुर चौक के साथ एक पुल जब बना था तो उसको स्वर्गीय कृष्णलाल शर्मा जी जब हमारे यहाँ से सांसद थे और दिनेश सारस्वत हमारे यहाँ से निगम पार्षद थे, मैं भी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते उसमें सहयोग किया था, और जब उस पुल का उद्घाटन डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी ने किया था तो मैं पूरी रात रुक कर वहाँ डंपर से मिट्टी डलवाई थी पूरी रात। ये भाजपा का हर कार्यकर्ता इस बात को जानता है, और उसको लेबल किया, और अगले दिन साहब सिंह वर्मा जी उसी रास्ते से आकर के जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। तो क्या कारण है कि दिल्ली सरकार इतनी बड़ी गंभीर समस्या, जो लोहिया पुल बन रहा था वो भी रुक गया, लोहिया पुल और मीठापुर पुल के बीच में मोड़बंद गांव के बीच में एक पुल बन रहा था वो भी रुक गया, और एक आली के आसपास भी पुल की आवश्यकता है। अगर ये 3 पुल बन जाए तो भदरपुर की जो परिवहन व्यवस्था है वो पूरी तरह से ठीक हो सकती है, लेकिन इसके लिए नियति का होना जरूरी है। साफ नियत से अगर आप प्रयास करेंगे तो जैसे आपने बताया शीला दीक्षित को हर जगह, चाहे वो अटल जी की सरकार रही हो, चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार रही हो, एलजी का ही बदले, लेकिन उन्होंने हर किसी से काम लिया क्योंकि उन्होंने दिल्ली के विकास के लिए काम किया। सुन सकते हैं आप लोग के किस तरह से केजरीवाल जी और उनके विधायक दिल्ली में काम कर रहे हैं, और मैं बार बार बताना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से, भदरपुर विधानसभा की जनता काफी ज्यादा परेशानियों का सामना लगातार कर रही है, लेकिन यहाँ के पूर्व विधायकों को, निगम पार्षदों को और वर्तमान विधायक को उनका नहीं दिख रहा। चुनाव आने में 2 से 4 महीने रह गए हैं, हर विधायक तैयारी कर रहा है, पूर्व विधायक तैयारी कर रहे हैं कि हम इस बार विधायक बने, जनता को समझे, लेकिन जनता बखूबी जानती है, जनता को पता है किसको अगला विधायक चुनना है और किसको अगला मुख्यमंत्री बनाना है। चुनाव से जुड़ी हुई सारी खबरें आपको लगातार मिलती रहेगी। मैं हनी सहगल, कैमरामैन विकास के साथ, बदरपुर विधानसभा, दिल्ली।